दोस्तों, जगत दीदी को कौन नाम रखा है आयरन लेडी? ऐसा कौन सा इंसान होगा कि नेहा में ऐसा कौन सी ऐसा खासियत देख लिया कि उसको आयरन लेडी का नाम रख दिया? नेहा ने आज तक ऐसा कुछ काम नहीं किया। जहां तक नेहा की चर्चा होते आ रही है, तो किसी का घर उजाड़ा है, तो किसी का घर तोड़ा है। ए बंदी अपने मायके में रह के भी ससुराल वालों को जीना मुश्किल कर दिया है। कल देवरानी का वीडियो आया था, जिसमें देवरानी बोल रही है कि मैं जो भी कमेंट नेगेटिव आते हैं मेरे खिलाफ़, उसको डिलीट करो। ए इम्पॉसिबल बात है, इतने सारे कमेंट में वो कहाँ से छाट छाट के डिलीट करेगी? उसके पास फैमिली नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है क्या जो बैठ के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट को ही छाटते रहेगी? हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल है। आज हम फिर से बात करेंगे जगत दीदी आयरन लेडी जो है नेहा के बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ इनकी देवरानी के ऊपर हम बात करेंगे। कल देवरानी का एक वीडियो आया था, दो दिन तीन दिन पहले एक कम्युनिटी भी शेयर किया था, उसी के ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं कि जगत दीदी को कौन ऐसा पर्सन होगा, कौन ऐसा इंसान होगा कि क्या देख के जगत दीदी को आयरन लेडी का नाम दिया, और इसी के ऊपर फूल के भांति हो गई है। फूल के घमंड इतना बढ़ गया है कि सबको अब बद्दुआएं देना शुरू कर दिया है। माँ बेटी दोनों मिल के बद्दुआएं देना शुरू कर दिया, यानी इनके अंदर इतना एटीट्यूड, इतना घमंड आ गया है कि मत पूछो। जिस ऑडियंस के वजह से यहाँ तक वो पहुँची है, उसी ऑडियंस को वो शराब देना शुरू कर दिया, उसी ऑडियंस को बद्दुआ देना शुरू कर दिया है। सच में जगत दीदी को ना शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर लूँ पहले सचिन की, और जगत दीदी का जो बॉन्डिंग था ये भाई बहन का बॉन्डिंग था। कहाँ से आपको भाई बहन का बॉन्डिंग दिखता है? बार बार जब जैसे ही दोनों का मुलाकात हुआ था 8 महीने पहले, सचिन जो है अपना जो है गृह प्रवेश से दोनों का मुलाकात हुआ था। गृह प्रवेश में सचिन जो है जगत दीदी को बुलाया था नेहा को, उसके बाद से ये दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सचिन की ज़िंदगी में उसका पत्नी भी है, मनीषा भी है, उसको खुद को याद नहीं है। रात दिन जैसे लग रहा है कि कौन से नशे में यह धुत है। सुबह उठते ही आँख मलते मलते नेहा के घर पे, फिर आँख खुलते खुलते नेहा के घर पे, मतलब ये इसको कौन सा ऐसा भूत सवार हो गया था। नेहा 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 नेहा, मतलब रात दिन मतलब नेहा नेहा का जाप करते रहा। इतना नेहा का जाप किया कि उसका असली रूप, असली रिलेशनशिप सोशल मीडिया पे दिख गया कि कैसा भाई बहन है। भैया जगत दीदी को बार बार सरप्राइज देने के लिए चले जाते थे, जगत दीदी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, इतना स्माइल कि मत पूछो, उछल उछल के कूदने लगती थी। ऐसा भाई बहन सातों जन्म में तुझे करता रहूँगा प्यार वाला, ऐसा भाई बहन का रिश्ता था। और सचिन और मनीषा का वीडियो आप जाकर देखो पहले का, मनीषा के चेहरे पे इतना चमक और इतना रौनक होता था ना कि पिछले 1 साल से और 8 महीने से न जाने इसका खुशी कौन सी दुनिया में गुम हो गई है। बेचारी उस सुख के बतासा होते जा रही है, इतना दुबली पतली हो गई है ना कि सच में मनीषा के ऊपर तरस आता है। कल मैंने ब्लॉग देखा था मनीषा को, जिसमें मनीषा का पूरी फैमिली मैके के आई हुई थी। मौसी आई थी, मम्मी और मनीषा की बहन और पापा भी आए हुए थे। पापा तो मनीषा को देख के मतलब हैरान हो गए थे कि मेरी बेटी कितना पतली दुबली हो गई है। और मनीषा बोलती है कि मैं तो खाती हूँ, लगता नहीं है। और एक बेटी क्या बोलेगी अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ बाप से क्या बोलेगी कि मेरा पति कौन सा गुल खिला रहा है, नहीं खिला रहा है। एक माँ बाप कितने उम्मीदों से अपनी बेटी को शादी करते, कितने अरमानों से कि मेरी बेटी जिस घर में जाएगी रानी बन के रहेगी, रानी के तरह राज करेगी। मगर रानी के तरह वो राज तो कर रही है, मनीषा को वैसे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। मगर असली मेन बोला जाता है ना कि अगर लड़की को अगर पति सही हो, अगर ढंग से प्यार करे, रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे, समाज में उसकी रिस्पेक्ट करे, एक पति जो है अपनी पत्नी को अगर सबके सामने, समाज में सबके सामने उसको इज्जत और रिस्पेक्ट देना, तो उस औरत को और दुनिया का कोई खुशी उसको नहीं चाहिए। बस इतना ही इसके लिए, जिंदगी जीने के लिए काफ़ी है। मगर ए टुचिन साहब जो लप्पू हैं, लप्पू सुचिन जो हैं, मतलब इतना मतलब कौन सातों जन्म में तुझे वाला प्यार वाला और दीदी के प्यार में इतना गुम थे
कि मनीषा घर में सो रही है तब तक सचिन जो है आंख मलते मलते अपना जगत दीदी के पास पहुंच गए। जगत दीदी इतनी ज्यादा जगत भैया को देख के खुश होती थी कि मत पूछो और हमेशा कौन बहन जो है बार बार गले लगेगा। कर हमारे इंडिया का जो कल्चर है, हमारे सनातन धर्म का कल्चर है कि कोई भी आया तो दूर से नमस्कार, भाई हो बहन हो कुछ भी हो। अब तो विदेशों में भी हमारे इंडिया का कल्चर को अपनाया जाता है। पहले जो है हैंडशेक करते थे, गले मिलते थे, वो सब हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ अब हमारे इंडिया में कल्चर है सिर्फ आप अपनी पत्नी को ही गले लगा सकते हो और अपनी पत्नी को ही जितना अपने आप में चिपका सको। मगर दुनिया मगर कोई भी ऐसा औरत को अगर आप चिपकाओगे अपनी बदन में बार 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 तो समाज आपके ऊपर उंगली उठाएगी ही उठाएगी। मैंने कई ऐसा वीडियो देखा है जगत दीदी को कि बार बार ऐसा कौन सा इमोशनल सिंपथी मतलब गेन कर रही है, ऐसा कौन सा वीडियो बना रही है कि बार बार इनको ऐसा कौन सा दुख पड़ा हुआ है। तो सब जान रहा है कि आपके जीवन में दुख आया था और आप दुखी हैं, ठीक है, आप सिंगल मदर थी। मगर आप बार बार किसी के भी फंक्शन में चले जाओ, किसी के भी घर में चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, मतलब हर किसी के घर में आप रोना धोना मचा के रखती थी जगत दीदी। प्लस जगत दीदी तो सबके घरों में जाती ही जाती थी, मगर सचिन और मनीषा के घर में कुछ ज़्यादा ही इनका इंटरफेयर हो गया था। सचिन जो है जगत दीदी के प्यार में कुछ ज़्यादा ही अंधा हो गए थे। वो भी जब तक जगत दीदी को गले नहीं लगाते थे ना, उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, मतलब संतुष्टि नहीं मिलता था। मनीषा का बर्थडे में ही देख लो, इस बार का जो बर्थडे 2 महीना पहले जो मनाया था मनीषा का, सितंबर में बर्थडे था, 10 सितंबर का बर्थडे था, तो ग्रैंड पार्टी किया गया था जिसमें एक पत्नी जो है उम्मीद लगाती है कि मेरा पति जो है हाथ पकड़ के दोनों हाथ जोड़ के मतलब दोनों हाथ ज्वाइंट करके ही आगे तक बढ़े। मगर सचिन जो है दूसरे को हाथ पकड़ेगा सबसे आगे, दूसरे को गले लगाएगा सबसे आगे, दूसरे को कंधा देगा रोने के लिए सबसे आगे, मगर अपनी पत्नी को गले लगाने में, अपनी पत्नी को हाथ पकड़ने में ये बंदा को इतना शर्म आता है कि शर्म के मारे डूब जाता है, इतना उसको शर्म है। मगर दुनिया के दूसरी लड़की को अगर गले लगाएगा ना तो इसके चेहरे पे इतना बड़ा स्माइल निकलता है, मगर पत्नी को गले लगाएगा तो उसको शर्म आने लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, बेशरम इंसान। वैसे तो मैं बोल रही थी कि सचिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सचिन भाई, बहुत अच्छे हैं, मगर इनकी हरकतें देख देख के ना, पिछले कई महीने का वीडियो देख देख के ना, सच में मतलब आपको भी घिन आने लगेगा। और सरिता जेठू जब वो बोल रहे हैं लाइव में, उनका कंटिन्यू 3 दिन से लाइव आ रहा है जिसमें हर एक चीज़ को वो क्लियर कर रहे हैं। सरिता और जेठू दोनों पति पत्नी जो है वो पायल पहनाने तक का बात को क्लियर किया है। और ये जो जगत दीदी है बोल रही थी मेरा फायदा उठाया था, बेशरम, शर्म नहीं आता किसी के इमोशनल के साथ तुम खेल रही हो, तुम्हें इतना मान सम्मान इज्जत मर्यादा सब कुछ दे रहा है वो इंसान, सामने वाला तुम्हारा पैर छू रहा है, पैर छूने का मतलब जानती हो कि कितना बड़ा इज्जत और रिस्पेक्ट होता है तुम्हें, तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। उस चीज़ को जब तुम कदर नहीं करी हो तो दूसरे को तुम क्या कदर करोगी। मैंने वीडियो में सब देखा है, जिसको तुम बोल रही हो कि मेरा तुम छोटी बच्ची हो, दूध पीती हुई बच्ची हो, जो तुम्हें सब के सब फायदा उठा लिए, अगर ये बोले कि तुमने सरिता जेठू का फायदा उठाया तो पब्लिक हर कोई एक्सेप्ट करेगा कि हाँ नेहा को कोई नहीं जानता था, सरिता जेठू के थ्रू ही सब लोग जानना शुरू कर दिया है। अभी सरिता जेठू का भले व्यूज गिरा हुआ है मगर पहले जो है इन सभी से पहले सरिता जेठू का ही नाम था सोशल मीडिया पे, मगर ये सब जो है ब्लैकमेल करके सरिता जेठू को खूब भरपूर फायदा उठाया, उसके बाद किस तरीके से बेइज्जती किया सोशल मीडिया पे, प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया। सचिन को मत पूछो, ये तो और इतना धब्बा इंसान टाइप वो काम कर रहे हैं। जब सरिता जेठू बोल रही थी कि सरिता जी बोल रही थी कि कमरे में ऐसा क्या था जो मुझे चिल्लाना पड़ा, तो ऐसा तो कुछ जरूर हुआ होगा कमरे में, और कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ और
जगत दीदी और जगत भैया दोनों थे, तो ऐसा कौन सा ऐसा काम कर रही थी वो दोनों मिलके कि अचानक से तीसरा पर्सन दरवाजा खोल के आता है और वो अचानक से चिल्लाने लगता है, क्या ऐसा कुछ तो जरूर देखा होगा ना। कोई भी इंसान को शौक नहीं होता कि वैसे ही चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे। तो तुम दोनों कमरे में कर क्या रहे थे? एक भाई बहन जो है अकेले कमरे में कुछ नहीं करेगी, और तुम्हारे साथ जब मनीषा रहती थी फिर भी मनीषा से छुप छुप के क्यों बात करता था? पब्लिक पूछ रही है सचिन तुमसे कि कोई भी पत्नी अपने पति का इस तरीके की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उसको शक होता है कि मेरा पति कहीं पे चक्कर चला रहा है तो तुरंत आग्रह आ जाता है, वो तुरंत समझ जाती है। तुम्हारे साथ एक दिन का रिश्ता नहीं है मनीषा का, कई सालों का रिश्ता है। तुम्हें अच्छे से भली भांति समझती है कि तुम इसके साथ किस तरीके से पहले रहते थे और अब किस तरीके से रह रहे थे जब से तुम्हारा नेहा का चक्कर मिला है। तो मनीषा ने शक किया था, किस आधार पे शक किया था? तुमने शक करने का कुछ जगह दिया तब तो शक किया। कोई भी पत्नी को शौक नहीं रहता है कि अपने पति पे शक करे। अगर पति ऐसा कुछ काम करता है, पत्नी को कुछ जरूर संदेह लगता है कि ऐसा जरूर कुछ ना दाल में काला है, तभी वो शक करती है। और तुम्हारा और जगत दीदी का दोनों का रिश्ता भाई बहन का था, तो तुम्हें जगत दीदी तुम्हारी पत्नी मनीषा को ऐसे क्यों डांट रही थी कि तुम्हारे पति में ऐसा है क्या? क्यों बोल रही थी? एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या अलग से लड़का लड़की रहेगी वो ही किसी को डांटेगी कि आखिर में तेरा पति में ऐसा है क्या? अपना भाई को ऐसे बोलेगी? वो बोलेगी अपने भाई को कि तेरे में ऐसा है क्या? भाई के मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। मगर जब ये ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था ना, यहीं से लगने लगा था पब्लिक को कि जरूर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और जेठू सरिता जब बार बार इस चीज को जिक्र करते हैं तो उस कमरे में तो जरूर उस दिन कुछ ना कुछ हुआ होगा, और समय आने पे पब्लिक को जरूर पता लगेगा। और चलिए मैं बात कर लेती हूँ आयरन लेडी के देवरानी जी के ऊपर। देवरानी जी इतनी मासूम है, इतनी सीधी सादी है। ये जगत दीदी बैठी हुई है ससुराल में और टॉर्चर कर रही है, बैठी हुई है अपने मायके में और टॉर्चर कर रही है ससुराल वाले लोगों को, अपने देवरानी को टॉर्चर कर रही है। बोल रही है कि जितने भी नेगेटिव कमेंट आते हैं उन सभी को डिलीट करो। क्या देवरानी के पास कुछ काम नहीं है? देवरानी के पास बच्चा नहीं है, फैमिली नहीं है जो तुम्हारे बैठ के यार पर्टिकुलर तुम्हारे सब नेगेटिव कमेंट डिलीट करे? क्या तुम्हारे चैनल पर देवरानी से रिलेटेड जब कमेंट नेगेटिव आते थे तो तुमने कितना डिलीट किया था? पब्लिक को बताओ, जगत दीदी बताते क्यों नहीं हो? दोस्तों कल जो है देवरानी का वीडियो आया था जिसमें देवरानी बोल रही थी कि मुझे धमकाया जा रहा है कि कम्युनिटी जो आपने पोस्ट किया उसको डिलीट करो, कमेंट बॉक्स को ऑफ करो, प्लस हमें तो धमकाने के लिए फ़ोन आ रहा है, प्लस मेरे ससुराल से मेरे पति बोल रहे हैं कि तुम इस मुद्दे पे बात नहीं करोगी, तुम इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं करोगी। मेरे पति का भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, अगर वो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं तो उनका सर में दर्द शुरू हो जाता है, और मुझे भी दमा का बीमारी है। मतलब जो देवरानी है, जगत दीदी के जो देवरानी है, जगत दीदी के देवरानी को भी हेल्थ इश्यूज है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और जो प्रियंका नाम कंचन तिवारी जबलपुर कुछ ऐसे ही नाम है, तो कंचन का वीडियो जब मैंने देखा तो वो बोल रही थी कि मैं ज़्यादा मेरे को भी टेंशन हो जाता है, ज़्यादा मैं ऊंची आवाज़ में बातें करने लगती हूँ ना तो मेरा सांस आना रुक जाता है, जिससे मेरा हेल्थ और ज़्यादा खराब होने लगता है। और मेरे पीछे बच्चे का भी सेहत है, अगर मैं बार बार बीमार पड़ूंगी तो मेरे बच्चों का कौन देख रेख करेगा? तो ये बंदी जो है अपने मायके में है मगर वहीं से इमोशनली टॉर्चर जैसे भी हो टॉर्चर कर करके पूरे ससुराल वाले की जिंदगी हराम करके रख दिया है, ससुराल वाले को भी जिंदगी हराम करके रख दिया है, प्लस न जाने ये बंदी कितने घरों को आग लगाई है, आग लगाने वाला एक काम कर रही है। इसको जिसने भी नाम रखा होगा ना, क्या सोच के इसका नाम रखा होगा आयरन लेडी? ऐसा तो आयरन लेडी की तरह कुछ तो ऐसा काम नहीं किया है। हमारे देश के
जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनको आयरन लेडी के नाम से संबोधित किया जाता था, क्योंकि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो उन्होंने देश के लिए अपना सहयोग दिया था और अपनी ईमानदारी से देश को बचाया था, और उस वजह से उनको पूरा देश जो है आयरन लेडी के नाम से जानती है। मगर ये बंदी जो है, ये तो घर तोड़ने और तोड़वाने और आग लगाने और रिश्ते को तोड़ने वाला ये काम करती है, तो इसको किसने आयरन लेडी का नाम रख दिया? पहले तो रो धो के इमोशनली सिंपैथी ले रही थी, अब जो है जब से सगाई हुई है तब से सोशल मीडिया पे जिस पब्लिक के वजह से आयरन लेडी को इतना सफलता मिली है, ये मुकाम मिला है 1,000, 1,500, 10,000 की साड़ी पहनने के लिए, इस उस चीज को ये कदर नहीं कर रही है, उसी पब्लिक को ये गाली दे रही है, उसी पब्लिक को ये बद्दुआ दे रही है माँ बेटी मिलके। और जैसे ही माँ बद्दुआ देती है इतनी गंदी तरीके से कि दोनों भाई बहन जो है खुश हो जाते हैं कि बोला था ना ऐसे मत करो, बोला था ना ऐसे मत करो, और स्ट्राइक मारी। उस टाइम उसने किसी के बारे में भी नहीं सोचा, बस खुशी खुशी होके मार रही है। मतलब ये जो जगत दीदी है इसके बारे में सभी लोग जो है मीठी मीठी बातें करते जाओ, और ये जो है दूसरे का जिंदगी हराम करेगी, दूसरे का चैनल डिलीट करवाएगी, दूसरे को बद्दुआ देगी, दूसरे को श्रापित करेगी, श्राप देगी कि आप अपने संतान के लिए तरसोगे, तड़पोगे, आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, आप अपने माँ बाप के से तड़पोगे, ऐसे वैसे, मतलब इतने गंदे तरीके से कि चुल्लू भर पानी में। क्या मैं बोलूँ, ये तिवारी फैमिली इतनी घटिया फैमिली बन गई है ना कि सच में मतलब सोशल मीडिया पे गंध मचा के रख दिया है। और जो ये बोलती है तिवारी फैमिली कि मेरे परिवार के बारे में मत बोलो, बस मेरे बारे में सिर्फ मीठा मीठा कमेंट करो, तो क्यों? जब तुम खुद व्यूज के लिए सबके पब्लिक को गुमराह कर सकती हो, इमोशनली टॉर्चर कर सकती हो, सिंपैथिक गेम कर सकती हो, तो पब्लिक तुम्हें इतना ऊंचा तक उठाया है, तो क्या पब्लिक तुम्हें अपना टाइम देती है? पब्लिक तुम्हारे पीछे अपना टाइम बर्बाद करती है, 20 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के जो वीडियो बनाती हो वो पब्लिक का टाइम बर्बाद होता है, तो क्या उसको इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी मन की बातें रख सके? और जिसके चैनल पे नेगेटिव कमेंट आता है, ए महात्मा गांधी जी बोल रही है जगत दीदी कि वो लोग जो है नेगेटिव है इसलिए इनके चैनल पे नेगेटिव कमेंट आता है, हम लोग जो है नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव कमेंट आता है, आयरन दीदी के जो देवरानी है वो भी नेगेटिव है, उनके भी चैनल पे नेगेटिव कमेंट आता है, मगर ए पॉजिटिव है, वो सबके लिए आशीर्वाद देती है, सबके लिए दुआएं करती है, इसलिए इनके चैनल पे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता है। पब्लिक को चुतिया बनाना बंद करो, ठीक है? मगर ए बंदी जो है ना जाने कितने घरों को बर्बाद किया है जगत दीदी, और रहती है मायके में मगर जिंदगी हराम करके रखा है ससुराल वाले फैमिली को। ये कभी चाहती ही नहीं कि कंचन जो है वीडियो बनाए और मेरे ऊपर जवाब दे, बस इसको जो मन करे सोशल मीडिया पे वो हगते फिरे, जो मन करे वो गंध मचाते फिरे, ऐसा वाला ये इसका दिमाग है, इतना घमंड भरा हुआ है। ये चाहती नहीं कि मेरी फैमिली में कोई सोशल मीडिया पे आए और मेरे जैसा पैसा कमाए। कंचन ने बोला, कंचन बोल रही थी कि मेरा घर सोशल मीडिया से नहीं चलता, यूट्यूब की कमाई से नहीं चलता है, मेरा अपना कमाई है, हमारा घर उससे चलता है, ठीक है? तो हमें सोशल मीडिया का कोई धमकी ना दिया जाए, ठीक है? मगर ये टॉर्चर कर रही है ये औरत अपने मायके में बैठ के, दुनिया के सामने तो दिखा रही है कि मैं मायके में रह रही हूँ, मगर ये हुकुम इतना चला रही है ससुराल के ऊपर कि मत पूछो। अपनी देवरानी को नेगेटिव घोषित कर दिया, अपनी देवरानी को इतना सोशल मीडिया पे बदनाम किया ये औरत की, बदनाम कर कर के अपने आप को अच्छा साबित कर दिया। अगर वो देवरानी गंदी होती, अगर ये देवरानी इतनी ही बुरी होती तो क्या अपने सास ससुर को भेजती अंगेजमेंट में? बहुत सारे लोग देवरानी से पूछ रहे हैं कि आप अंगेजमेंट में क्यों नहीं गए, तो देवरानी बोली कि जहाँ पे हमें पूछ नहीं होता है, बिन पूछे हम कहीं नहीं जाते। तो सोचिए इसके घमंड साथ में आसमान पे छू रहा है, वो खुद
सोसोच के परिवार को निमंत्रण देती है, अपने ही फैमिली को नहीं निमंत्रण देती है। अब जब उससे कोई सवाल पूछेंगे, अगर सोशल मीडिया पे इसके चैनल जानते हैं तो पब्लिक, तो अगर तुम अपने चैनल से नेगेटिव कमेंट डिलीट करोगी या रिप्लाई नहीं दोगी तो फिर तो पब्लिक कहीं पे भी जाके कमेंट करके तो संतुष्ट होगी ही होगी ना, उसको तो जवाब चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पीछे टाइम बर्बाद कर रही है। सो गाइस, सच में ए आयरन लेडी, जो भी बंदा इसको नाम रखा होगा ना जगत दीदी को, सच में अभी शर्मिंदा हो रहा होगा कि सच में वो आयरन लेडी कहलाने का लायक नहीं है। सबका बसा बसाया घर तोड़ने में लगी हुई है। जगत दीदी की जो देवरानी है कंचन, वो अपने ससुराल से मायके आई है पर्टिकुलर इसको जवाब देने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ससुराल में कोई अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। कंचन बोली कि मुझे कोई भी यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं करती। अब मुझे इतना सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है कि उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा ना, कि ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा समय था, ऐसा तुम्हारा कौन सा दुख था कि उस दुख में हमारी फैमिली तुम्हें काम नहीं दिया, बताओ। क्योंकि जो आयरन लेडी है जगत दीदी, वो वीडियो में बोली थी कि जो मेरा दुख में शामिल नहीं होगा उसको हम अपने सुख में भी शामिल नहीं करेंगे। तो यही पूछ रही है जगत दीदी की देवरानी कि बताओ, पब्लिक को बताओ, ऐसा कौन सा समय था, तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा था, जिसमें हमने तुम्हें सहारा नहीं दिया और सपोर्ट नहीं किया। तो ये जो जगत दीदी है ना, एक सेल्फिश बन गई है, पूरा सेल्फिश बन गई है कि दुनिया के सारी खुशी जो है मेरे कदमों में आके चूमे और बाकी सब दुखी रहे। क्योंकि आप खुद सोचिए कि देवरानी को दमा का प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, देवर को दिमाग प्रॉब्लम है, इनको सर में दर्द रहता है, फिर भी इस तरीके से मानसिक रूप से टॉर्चर कर रही है और ससुराल की फैमिली को। खुद तो ऐस मौज यहाँ पे कर रही है, हंस हंस के वीडियो बना रही है, व्यूज जा रहे हैं लाखों को, मिलियन में। तो शर्म कर लो जगत दीदी, अभी भी टाइम है। दोस्तों, मैं बोली, सोची थी कि मैं जगत दीदी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मगर आए दिन जगत दीदी के बारे में कुछ ऐसे ऐसी खबरें आ जाती है ना मेरे आंखों के सामने कि सच में बोले बिना मुझे रहा नहीं जाता। सो फ्रेंड्स, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।